वेलकम बैक टू द चैनल। अभी यहाँ पर बज रहे सुबह के 2:30 या मेरे को रात के 2:30, और हम लोग निकले हैं माउंट बतूर के सनराइज़ ट्रैक के लिए। आप में से किसी को नहीं पता है तो बता दो कि माउंट बतूर एक एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है, और इतने रात को इसलिए निकलते हैं ताकि वहाँ पर पहुँच के हम सनराइज़ देख सकें। और थोड़ा सा लंबा ट्रैक है, 4 to 5 kilometers का, और वहाँ पर पहुँच के थोड़ी ज़्यादा ठंड भी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी माउंट बतूर का ट्रैक प्लान कर रहे हो तो आपने वहाँ पर क्या क्या एसेंशियल्स लेके जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा हुडी कैरी किया है, मेरे लिए एक जैकेट, हेड टॉर्च है, अगर आपके पास हेड टॉर्च नहीं रहेगा तो नॉर्मल टॉर्च भी कैरी कर सकते हो, मेडिकल किट है, इमरजेंसी मेडिकल किट है, ऑफकोर्स पानी का बॉटल है। और सिंस हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे और ट्रैक पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम लोग मैक्स प्रोटीन के ये 7 grain ब्रेकफास्ट कुकी कैरी कर रहे हैं। और गाइज मैं कैरी कर रहा हूँ मेरा Mini 3 Pro, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत अच्छे फुटेजेस मिल सकते हैं मुझे, और मोबाइल का गिम्बल, और किंजल ने ऐसा बताया हेड टॉर्च क्योंकि वहाँ पे लो लाइट होगा। तो अभी हम लोग का ड्राइवर आ गया तो हम लोग फटाफट निकलते हैं। और हाँ गाइस, कपड़ों में एक्टिव वेयर पहनना मत भूलिएगा, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैक पे। गुड मॉर्निंग, हम लोग बेस कैंप पे पहुंच गए और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं क्योंकि ये ट्रैक काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो हमारे होटल से यहाँ पे पहुंचने के लिए 1 घंटा लग गया है, और यहाँ से हम लोग अभी 10 मिनट में ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले वो लोग हम लोग को ब्लैक कॉफी और थोड़ा सा कुछ पानी वानी दे देंगे साथ में। एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बलिनिस कॉफी। ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर इनके साथ के पास जैकेट्स या फिर रेनकोट्स नहीं है तो यहाँ पे रेंट पे मिलता है, तो डोंट वरी। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं और 5 मिनट हो गए हम लोग को अभी ये ट्रैक शुरू करके, और सबके हाथ में उन्होंने टॉर्च दिए क्योंकि अभी लाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कब तक हम लोग ऊपर पहुँचते? अभी कितना टाइम हुआ है किंजल? 4:11। अभी बजे सुबह के 4:11।4:30 हुए हैं और हम लोगों ने 20 मिनट्स वॉक किया है, अराउंड 2.5 kilometers हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। आराम से। गाइज अभी हम लोग हाफ वे पहुँचे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, बट इतना इंक्लाइंड है कि हम लोगों ने, मैंने तो जैकेट निकाल लिया है। और आपने देखा ही रोड कैसा है, बहुत ही रॉकी रोड है। हाँ। और मतलब कमेंडेबल बात है कि किंजल का तो आज फर्स्ट डे है पीरियड का, फिर भी वो आ रही है ऊपर तक। मुझे नहीं पता कैसे कर रही है वो, मुझे भी नहीं पता कैसे कर रही हूँ। छोटा बैग भी रहता है, अभी मेरा बैग 10 किलो का है, बट सीधा चलता रहता तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। बट जैसे जैसे इंक्लाइन होता जाता है ना, तो 10 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो लगना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हो वहाँ पे ऊपर अभी फर्स्ट उसका लेवल है जहाँ पे लोग चढ़ के जा रहे हैं, और बोल रहे कि ये जो इंक्लाइन है ये थोड़ा टफर है, अभी जो हम लोग है वो थोड़ा नॉर्मल है। तो सब लोग टॉर्च लेके जा रहे हैं, और एक्चुअली बहुत लो लाइट है, बट ISO बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लगता रहेगा कि लाइट है, बट पिच डार्क है एक्चुअल में। अभी कितना बज रहा है? अभी 5:15 हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 kilometers कवर कर लिया है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप भी है जहाँ पे आपको खाने को कहीं मिल जाएगा अगर कुछ चाहिए रहेगा तो। हम लोग तो नहीं खा रहे, अभी ऊपर जाके खाएंगे। Good. Can you buy some sweet drink? No, thank you. No.
फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए। यस, सनराइज के पहले पहुंचे हैं। 15 मिनट्स पहले। ये है फर्स्ट स्टॉप, आप देख सकते हो पूरा पीछे क्लाउडी है। एक्चुअली मैंने ड्रोन फ्लाई किया था तभी बहुत अच्छा लाइट आया था, थोड़ी देर के लिए सन दिखा था बट वापस सारे क्लाउड्स नीचे आ गए, उसके वजह से मैं ड्रोन फिर से लैंड कर दिया मैंने। बट क्या अनबिलीवेबल स्पॉट है, बहुत ही सही है। मतलब यहाँ पे 2 घंटा ट्रेक करके ऊपर आना सीरियसली वर्थ इट है। जब हम लोग ऊपर आते हैं ना तो ऐसा फील होता है, अरे यार क्यों ये टास्क लिया, क्यों ऊपर आ रहे हैं, क्यों इतना मेहनत ले रहे हैं। बट फाइनली जब ये फर्स्ट स्टॉप एक्चुअली, और ऊपर भी है वहाँ पे, यहाँ पे माउंटेन है जो आपको दिख नहीं रहा है, इधर पीछे क्रेटर भी है वो भी अभी पूरा क्लाउडी होने की वजह से दिख नहीं रहा है। अनबिलीवेबल लग रहा है, मतलब ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग एक एक्टिव वोल्केनो पे अभी खड़े हैं। सो यहाँ से सेकेंड पॉइंट तक जाने के लिए हमें और 35-40 मिनट्स लगेगा, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह सिर्फ कॉफ़ी पिया था, कुछ भी खाया नहीं था। और ट्रैक करते टाइम पे कुछ अनहेल्दी खाया ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। बट लकीली ये जो मैक्स प्रोटीन के 7 ग्रेन्स ब्रेकफास्ट कुकी है, ये ईजी टू कैरी है और हेल्दी भी है। और गाइज इसमें 7 हेल्दी ग्रेन्स का पावर है, जैसे कि ओट, सत्तू, रागी, किनोआ, जिस वजह से ये आपको लंबे समय तक फुल रखेंगे। और इसमें 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 1 ग्लास मिल्क में होता है उतना, और 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर 1 एप्पल में होता है उतना। सो गाइज आपको भी मेरी तरह गिल्ट फ्री, हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स ऑप्शन चाहिए तो आप maxprotein.in वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। एंड यू कैन गेट 20% ऑफ बाई यूजिंग आर कूपन कोड bondingminds20। जो फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पर हम वेट कर रहे थे उससे आप 1 मिनट आगे चलकर आओगे तो आपको एक क्रेटर दिखेगा, और यहाँ से आपको पूरा वो स्टीम आते हुए भी दिखेगा लावा का। ये एक्टिव वोल्केनो है और लास्ट इरप्शन इसका हुआ था 2000 ईयर में। और ऐसे बोलते ही मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। सेकेंड स्टॉप से जो एकदम फाइनल ऊपर वाला जो स्टॉप है, वहाँ से जब आप नीचे आओगे तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे स्लिप हो रहे हैं, देखो। तो बहुत संभाल के नीचे जाना है क्योंकि ये जो नीचे का मिट्टी है वो बहुत स्लिपरी है। सो गाइज मेरे पीछे ये जो लोग खड़े ना, वहाँ से स्टीम आ रहा है क्रेटर में से, और वो मस्त वार्म है, उस रीज़न से यहाँ पे खड़े रह के वो वार्म फील करने को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो सब लोग यहाँ पे खड़े रह रहे हैं, देखो आपको वहाँ पे दिखता रहेगा पीछे से पूरा वो धुआं जैसा आ रहा है, और यहाँ से नीचे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नीचे जाते और एक बार चेक कर लेते हैं। वो बहुत गर्म है। ये वो क्रेटर है जो ऊपर उसका जो धुआं मैं दिखा रहा था वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बट क्लाउड हिल ही नहीं रहे, मतलब इनफैक्ट और ज़्यादा क्लाउडी हो गया है। तो फिर हमने स्टार्ट किया था सेकेंड पॉइंट पे ट्रैक करना, बट फिर बीच में से डिसाइड किया कि नहीं जाते, और मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रैम्प्स भी आ रहा है। तभी चढ़ते टाइम, मतलब ट्रैक क्लाइंब अप करते टाइम समझा नहीं, बट अभी जब मैं बैठी हूँ यहाँ पे तो मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स। तो फिर हमने सोचा कि इतना क्लाउडी रहेगा तो ऊपर जाके फिर वर्थ भी नहीं होगा, कुछ दिखेगा भी नहीं। और जो रिटर्न आ रहे थे उन्होंने भी बताया कि सेम सिचुएशन है ऊपर, इनफैक्ट ऊपर और भी ज़्यादा क्लाउडी, कुछ भी विजिबल नहीं है। तो आई थिंक हम लोग अनलक्की है कि हमें सनराइज़ भी नहीं देखने मिला और वो व्यू भी नहीं देखने मिला ऊपर से। माउंट बतुर के बारे में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ।
माउंट बतूर का फर्स्ट इरप्शन हुआ था 29,300 ईयर्स अगो और तभी इसका हाइट था 3,000 to 4,000 मीटर्स. अब भी फिलहाल इसका करंटली हाइट है 1717 मीटर्स. और 1924 से लेकर 2000 तक लगभग 26 इरप्शन हुए और उसमें से सबसे जो डेडली था और सबसे ज़्यादा जिसमें डिस्ट्रक्शन हुआ वो था 1926 के ईयर में. और रिसेंटली अभी सितंबर 12, 2012 में लास्ट इरप्शन हुआ था. आज सितंबर 14 है 2022, तो एग्जैक्ट 10 ईयर्स अगो इरप्शन हुआ था लास्ट. थोड़ा सा क्लियर हुआ है अभी तो लेक दिख रहा है और जो लास्ट इरप्शन की वजह से पूरा ब्लैक जो इरप्शन क्रिएट हो गए वो इरप्शन के वो वहाँ पे पीछे है पूरा. आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे गूगल पे तो आपको दिखेगा कि क्लाउड्स पूरे नीचे रहते हैं हमारे और हम लोग ऊपर रहते, तो हमें बहुत सारे से शॉट्स माइंड में लेके आया था. हम लोग ट्रैकर्स नहीं है ज़्यादा, तो अगर आप ट्रैकर नहीं हो तो आई डोंट थिंक कि 2 घंटा अगर आप ट्रैक करके आ रहे हो 2 से 2.5 घंटा और आपको अगर व्यू नहीं दिखा तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, जैसे हम लोगों के लिए हुआ है. तो अगर आप ट्रैकर नहीं हो तो मैं बोलूंगी कि आप अवॉइड कीजिए. हाँ, और लोगों ने ना ऑनलाइन लिखा है कि नॉर्मल है, बट एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, टफ है, टफ है. और जितने भी लोग हम लोग के साथ ट्रैक कर रहे थे, फिर वो बाहर के लोग हो या फिर इंडियन हो, एक दो ही थे इंडियंस, बट वो लोग भी बोल रहे थे कि ऑनलाइन लोगों ने लिखा है कि नॉर्मल ट्रैक है, बट एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, वो टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा. मतलब ऐसा लंबा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो एंड्योरेंस बहुत चाहिए आपको, एंड्योरेंस बहुत चाहिए. और जो रेगुलर ट्रैक्स करते हैं उनको इजी लगेगा. सो गाइस, अगर फिर भी आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो इसका हमने पे किया है 6 लाख रुपीज़ पर पर्सन. इसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, आपको वाटर बॉटल्स मिलता है, आपको टॉर्च वगैरह भी देते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करते हैं ऊपर तक, और आपका पिकअप एंड ड्रॉप होता है. इसमें भी 2 टाइप्स के हैं, आपका प्राइवेट टूर भी होता है, जो हमने प्राइवेट टूर लिया है उसमें आपको कार से पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है, और एक ग्रुप टूर होता है जिसमें करीब 8 से 10 लोग होते, तो उसमें मिनी वैन करते हैं वो लोग, और उसका कॉस्टिंग 3,30,000. हाँ, उसका कॉस्टिंग अराउंड 3,50,000 पर पर्सन के आसपास है. वैसे तो बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा फीलिंग है कि वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा. अगर सनराइज प्रॉपरली देखने मिलता तो बहुत मज़ा आ जाता था, क्योंकि ये ट्रैक का नाम ही सनराइज ट्रैक है. कोई बात नहीं, इधर आके भी अच्छा लगा. सो इस वीडियो को गाइस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. और ये वीडियो को अभी एंड करते हुए, बहुत ठंडी है यहाँ पर और मैं ऐसे शिवर कर रही हूँ पूरा. बाय बाय.